महाराष्ट्र निवासी संतोष हरिनंदन गिरी दंडवत परिक्रमा करते हुए पाटी नगर पहुंचे। भक्तगण ने किया स्वागत पाटी। नर्मदा मैया की परिक्रमा खास होती है जिससे आस्था समाहित होती है, किंतु अत्यंत कठिन माने जाने वाली दंडवत परिक्रमा पर निकले परिक्रमा वासी संतोष हरिनंद गिरी जो कि मूलतः महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने अपने खास मकसद से इस यात्रा को चुना है। दंडवत बाबा मंगलवार को पाटीनगर पहुंचे। उनसे चर्चा करने पर बताया कि अब नर्मदा परिक्रमा की 5वीं पैदल यात्रा पूर्ण कर ली है, अब ये उनकी 6ठी पैदल यात्रा है जो कि दंडवत है। दंडवत यात्रा उन्होंने खरगोन जिले के रावल खेड़ी से प्रारंभ की है। यात्रा का मकसद जन कल्याण तथा नर्मदा मैया को स्वच्छ रहे इन्हीं कामना से प्रारंभ की है। प्रतिदिन की उनकी यात्रा 2 से 3 किलोमीटर होती है। यात्रा मार्ग में भक्तों व धर्मशाला में गुजारते हैं। आज यात्रा के दौरान पाटी नगर पहुंचे जहां पर भक्तजनों ने धर्मशाला में भोजन व ठहरने की उत्तम व्यवस्था की। तो नर्मदा परिक्रमा वासी है और नर्मदा मैया की परिक्रमा पर निकले, उनके निकलने से एक अलग ही मकसद देखने को मिला, वो दंडवत यात्रा पर निकले हुए थे। तो फिलहाल वो मेरे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। बाबा आपका नाम? मेरा नाम है संतोष नंदी। कहाँ से है आप? मैं रहवासी महाराष्ट्र का हूँ, पर मेरा गुरु का स्थान हरिद्वार में है। हरिद्वार, तो ये मूलतः महाराष्ट्र के हैं जैसा इन्होंने बताया। और देखने में एक अलग चीज़ आई है कि जो अधिकतर परिक्रमा वासी जो आते हैं वो पैदल अपनी यात्रा करते हैं, उसमें एक अलग रूप ये देखने को मिला कि आप दंडवत। तो इस यात्रा का कुछ मकसद बताएंगे? ये यात्रा का मकसद है जग कल्याण के लिए मकसद है। ये नर्मदा स्वच्छता रखे, स्वच्छता आप भी रहे, यही मकसद से अपन चले। तो इनका जो दंडवत यात्रा का मकसद इन्होंने बताया कि नर्मदा मैया स्वच्छ रहे और हम लोग भी इसे स्वच्छ रखे। ये पहली आपकी यात्रा है, इससे पूर्व में भी आपने यात्रा की? मैंने 5 परिक्रमा यात्रा पैदल किया, ये 6वीं यात्रा है। ये आपकी 6वीं यात्रा है, तो कहाँ से आपने प्रारंभ की? ये मैंने रावलखेड़ी से प्रारंभ किया, ये खरगोन जिले के रावलखेड़ी से आपने यात्रा प्रारंभ की। आप कहाँ कहाँ पे रुके और कैसा आपको यहाँ का देखने को मिल रहा है? ये जैसे अपन परिक्रमा उठाए थे कि कई मंदिर, कई भाई भगत के घर में रुके, कई आश्रम, कई आश्रम और कई आप भक्तों के घरों में रुक के स्टेप बाई स्टेप। दिन भर में आप कितना चलते हैं? 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास हो जाते हैं। 2 से 2.5 किलोमीटर आप डेली यहाँ अपनी दंडवत यात्रा करते हैं। और साथ ही साथ बाबा से हम ये भी जानना चाहेंगे कि दंडवत यात्रा एक प्रकार से अलग क्यों मानी जाती है, बाबा बताएंगे। ये दंडवत परिक्रमा यात्रा ऐसे माननी जाती है कि ये विश्व की यात्रा है, भी पहली यात्रा है विश्व की यात्रा। जैसे ये 3 प्रकार की यात्रा हो जाती है, एक 3.5 साल की यात्रा हो जाती है, एक हनुमान परिक्रमा यात्रा हो जाती है, ये सबसे बड़ी यात्रा है, ये विश्व की यात्रा है। तो श्रोताओं, ये हमारे साथ जुड़े थे और अभी परिक्रमा पर है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा हमसे जुड़ने के। नर्मदे हरी।